कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आम की लौंजी कहा जाता है, इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कच्चे आम। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो के करीब कच्चा आम, जिसे छील कर वॉश कर लिया है और ऐसे पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। स्पाइसेस हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच कलौंजी, जिसे ब्लैक सीड बोलते हैं, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच मेथी का दाना, 7 से 8 सूखी हुई लाल मिर्च, 10 से 12 कलियाँ लहसुन के, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, उसमें ऐड करेंगे सूखी हुई लाल मिर्च और लहसुन और इसका पेस्ट बना लेंगे। हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सेमी फाइन पेस्ट चाहिए, थोड़ा मोटा मोटा सा इसका टेक्सचर होना चाहिए। बिना पानी के हमें ऐसे ही सेमी फाइन पेस्ट चाहिए, अगर हम पानी ऐड कर देंगे तो ये बिल्कुल फाइन हो जाएगा, तो बिना पानी के हमें इसे पीसना है। अब एक कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे मेथी दाना, उसके बाद ऐड करेंगे ब्लैक सीड यानी कलौंजी। इसे 2 से 3 बार स्टर करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सौंफ। 2 से 3 बार चलाते हुए पकाएंगे, उसके बाद इसमें जो आम के पीसेस हमने कट करके रखी है वो ऐड कर देंगे। सारे आम को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 किलो आम की चटनी बना रही हूँ। अगर आप आधा किलो आम की बनाना चाहते हैं तो ये सारे मसालों की क्वांटिटी जस्ट हाफ कर दें। अब 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे नमक और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इस स्टेज पर नमक ऐड करने से आम जल्दी पक जाते हैं। और अब हम ऐड करेंगे जो हमने मसाला तैयार किया था सूखी हुई लाल मिर्च और लहसुन का, वो इसमें ऐड कर देंगे। सूखी हुई लाल मिर्च और लहसुन का इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। अब मिक्सी में जो थोड़ा मसाला बचा हुआ था उसमें 1/2 कप पानी डालकर इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आम अच्छे से पक जाए। अब इसके लिड को कवर करेंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, जब तक आम अच्छे से पक जाए। आठ मिनट के बाद इसे चेक करेंगे कि आम अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं आम बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे चीनी। आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, उसकी जगह पे गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना चीनी, ये करीब 150 ग्राम इतना है, तो इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से पिघल के घुल जाए। आप चीनी की जगह पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसे खाने के साथ सर्व करें। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, ये रेसिपी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसके लिड को कवर करेंगे और 2 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से पिघल जाए इसमें। 2 मिनट बाद लिड को हटाकर चेक करेंगे, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चीनी ऐड करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना है ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए इसमें। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे।
आम की लौंजी, जिसे आम की खट्टे मीठी चटनी भी बोलते हैं, इसमें सारा फ्लेवर होता है, खट्टा फ्लेवर होता है, तीखा होता है और मीठा भी होता है। तो ये खाने में बड़ी मज़ेदार लगती है। तो और बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, 10 मिनट में तैयार हो जाती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।